नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। एशिया कप पर एक बार फिर से विवाद शुरू होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष होने वाले जाका अशरफ ने हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार कर दिया है। नजम सेठी ने पीसीबी अध्यक्ष पद से तो इस्तीफा दे दिया है और जाका अशरफ को पीसीबी का नया अध्यक्ष बनना सिर्फ एक औपचारिकता रह गया है। अब यहाँ से एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या रुख अपनाता है, यह देखने वाली बात होगी। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर पीसीबी के होने वाले अध्यक्ष जाका अशरफ ने एशिया कप को लेकर क्या बयान दिया है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पहला बिंदु यह है कि मैंने पहले भी हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड ने फैसला किया है कि यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित किया जाना चाहिए, फिर हमें इसकी मेजबानी करना चाहिए। वहीं ACC ने भी साफ कर दिया है कि एशिया कप मॉडल को ACC ने स्वीकार कर लिया है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अशरफ जो चाहे कहने के लिए स्वतंत्र है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीसीबी अध्यक्ष पद के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जाका अशरफ को चुना है। नजम सेठी ने ट्वीट के जरिए पीसीबी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। वहीं जाका अशरफ ने कहा कि सभी मुख्य मैच पाकिस्तान के बाहर हो रहे हैं। नेपाल और भूटान जैसी टीमें पाकिस्तान में खेलने जा रही है जो पाकिस्तान के लिए उचित नहीं है। मुझे नहीं पता कि बोर्ड ने पहले क्या निर्णय लिया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जांच करूंगा, कम से कम समय में जो भी संभव होगा पाकिस्तान की भलाई के लिए वह करूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सामने चुनौतियां हैं, कई लंबित मुद्दे हैं, एशिया कप है, फिर विश्व कप है, टीम की तैयारी है, कई मुद्दे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक बार जब मैं कार्यभार संभालूंगा तब देखूंगा कि हालात क्या हैं। मैं हमेशा मीडिया को साथ लेकर चलता हूं, मैं कुछ भी नहीं छिपाता। हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइब्रिड मॉडल के लिए एशिया की सभी बोर्ड तैयार हो चुकी थी और मैच शेड्यूल भी जल्द घोषित किया जाना था, लेकिन पीसीबी के नए अध्यक्ष होने वाले जाका अशरफ अड़ंगा डालकर सारा काम खराब कर सकते हैं। हालांकि इस पर अब आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।